नमस्कार दोस्तों, एमबीजी मारवाड़ी में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए लेकर आ गए एक नया वीडियो। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो उसी एक महीने पहले डाले गए वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भी उसी तरह से साइड में काट पाना है और सेम टू सेम डिटो है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाया है। तो ध्यान से देखिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पुराने वीडियो की तरह इसमें भी हम आपको उसी तरह से प्लेट्स बनानी है। तो उस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाया, तो इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको नज़दीक से कि आप प्लेट्स अच्छे से बना सकें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, वही स्टेप है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हमारा यूजर नाम है MBG मारवाड़ी। तो दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हैं। आपको धोती के बारे में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ट्रिक जाननी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो डायरेक्ट DM कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारा चैनल और हमारे इन वीडियो का एक ही उद्देश्य है, सबको धोती पहनना आना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी स्टेट में हो या किसी भी राज्य में हो या किसी भी मतलब इंडिया के किसी भी कोने में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा धोती हमारा ट्रेडिशनल है। तो हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि बच्चे को धोती पहनना आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं इसी तरह से देखिए प्लेट्स बना देना छोटे पल्ले का, और उसी तरह से आप प्लेट्स को फ्लैट कर देना है, और फिर प्लेट्स को लेकर पीछे की तरफ डाल देना है। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो तो सेम है जिस तरह से पिछले वीडियो में दिखाया था, वही तो है, लेकिन भाई साहब इसमें जो अलग ट्रिक है वो आपको आगे पता चल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें अलग क्या और उसमें अलग क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तभी पता चलेगा। और दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं और आप फिर से कह रहे हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको पिछले वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको कुछ अलग लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इतनी मेहनत की है, वीडियो बनाई है, तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद तो ज़रूर आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं कम्प्लीट। तो देखिए दोस्तों, धोती तो हमारा पूरा पहन के रेडी हो गया है और एकदम रेडी है। तो अब आज हम आपको इस पर एक कुर्ता भी डालकर दिखा देंगे, तो देखते रहिए वीडियो। तो देखिए, कुर्ता डालने के बाद किस तरह का लुक आता है, देखते रहिए। तो ये हमारे पास एक ऑरेंज कलर का, लाइट ऑरेंज कलर का कुर्ता है, तो उस पर डालने पर कैसा लगेगा आप देख सकते हैं वीडियो में। देखिए, इस तरह से हमने कुर्ता डाल दिया है। तो आप देखिए दोस्तों, कुर्ता डालने पर हमारी धोती का लुक कुछ ऐसा आता है।
तो मेरा मानना तो यह है कि धोती से ज़्यादा सादगी किसी वस्त्र में या किसी ब्रांडेड कपड़ों में नहीं है। तो मुझे तो धोती बहुत पसंद है, आपका तो मुझे पता नहीं, आप तो कभी कभी यूज करते होंगे लेकिन मैं तो डेली यूज करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में।